लेते हैं। इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर वसुंधरा राजे राजकुमार के घर पहुंची हुई है। कन्हैया लाल हत्याकांड के मुख्य गवाह राजकुमार हैं। रावजी का हाटा में स्थित राजकुमार का घर, जहां पर इस वक्त ये तस्वीरें देखिए, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची हुई है। राजे ने राजकुमार से मिलकर उनका हालचाल जाना है। ब्रेन हेमरेज के चलते राजकुमार का ऑपरेशन किया गया था। पिछले कई दिनों से वो बेड रेस्ट पर थे और राजे ने परिवार को उचित मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया है। कमलेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची हुई हैं, हालचाल क्या है फिलहाल, क्योंकि बताया जा रहा है कि ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन भी किया गया था और वसुंधरा राजे ने आश्वासन दिया है मुआवजे का, पूरी जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। जी देखिए, बिल्कुल प्रियंका, ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज यहाँ पर उदयपुर कन्हैयालाल साहू हत्याकांड जो है उसके मुख्य गवाह जो है कि राजकुमार उनके घर पे पहुंची थी। और राजकुमार का पिछले कई समय पहले ये ब्रेन हेमरेज हुआ था और उस दौरान ये कई समय से बेड रेस्ट पे। ऐसे में वसुंधरा राजे ने उनकी कुशल क्षेम पूछी है और साथ ही जो है कि जो राजकुमार के परिवार के जो लोग हैं, उनकी जो पत्नी है, उन्होंने वसुंधरा राजे से आर्थिक सहायता के लिए उन्होंने कहा है कि उनके स्थिति, घर की स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में वो कई समय से लगातार प्रयास कर रही है कि उनके जो बेटे हैं उनको एक कोई सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि उनकी घर की जो आर्थिक व्यवस्था जो वो वापस फिर से पटरी पर आ सके, क्योंकि ब्रेन हेमरेज होने से जो राजकुमार पिछले कई महीनों से बेड रेस्ट पे, ऐसे में और लगातार जो है कि प्रयास भी करी लेकिन अब तक नहीं हुआ। ऐसे में वसुंधरा राजे ने बिल्कुल उनको आश्वासन दिया है कि इनकी नौकरी का प्रयास किया जाएगा और साथ ही आर्थिक जो सहायता उसके लिए भी पूरी कोशिश की जाएगी। जी ठीक है कमलेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।